ये गलती कभी भी लद्दाख ट्रिप पे भूल के भी मत करना। तब से मेरे को सर में दर्द वगैरह थोड़ा चक्कर से फील हो रहा था। 10,890 फीट की ऊंचाई पे भाई पानी बहुत ज्यादा है, पता नहीं हेलो गाइस वेलकम बैक टू माना दुर लोग। तो भाई कैसे हैं आप सब, आज हम आपको लेके आए हैं लद्दाख। अभी हम हैं लद्दाख के रास्ते में और कर रहे हैं अपनी ऑल न्यू क्रेटा 2024 फेसलिफ्ट का टेस्ट। तो भाई ये 2024 लद्दाख डायरी है, तो अभी तक बहुत कम लोग गए हैं, तो इसलिए भाई हम लेके आए हैं। आप दूर दूर तक देखोगे ना आपको गाड़ियां दिखेगी नहीं, पर भाई जहाँ पे एंट्री चेक पॉइंट्स है बहुत सारी ऐसी जगह है वहाँ पे जाम भी इतना मिलेगा, लेकिन जो ऐसी मेन जगह है ना वहाँ पर आपको बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है। और दूसरी बात भाई हालत खराब हो रही है ऑक्सीजन से भी और भाई गाड़ी की परफॉर्मेंस से भी, तो देखो यार पूरा व्लॉग आपको मजा आ जाएगा। तो जी गुड मॉर्निंग हो चुकी है हमारी इस बेहतरीन व्यू के साथ में, ये खड़ी अपनी धन्नो और ये है वो कैंप जहाँ पे हम रुके थे, आप देख सकते हो ग्लेशियर वाटर कैंप्स, यहाँ पे इनका नंबर लिखा है आप नंबर नोट कर सकते हो। बाकी भाई ये देखो ये यहाँ पे इनका पूरा सेटअप है, किचन वगैरह यहीं पे है और जितने भी कैंप है ना ऊपर इधर भी कैंप है और इधर भी कैंप, ये सारे इनके कैंप है। बाकी व्यू देखो भाई क्या मस्त नज़ारा, रोड देखो भाई मतलब बेहतरीन है सब कुछ ना। और अभी निकल रहे हैं और रात को कुछ दिक्कतें हुई थी यहाँ पे, दिक्कतें जो अभी भी हो रही है काफ़ी सारी, जो जिनके बारे में आपको पता होना ज़रूरी है। अभी गाड़ी में बैठेंगे और फिर डिस्कस करते हैं आपसे सारी बातें। जो हमारा कैंप था हम अपने कैंप से निकल चुके हैं और अभी हम जा रहे हैं सीधा सरचू। तो कैंप के बारे में बता देता हूँ भाई, कैंप का जो किराया था 3 बंदों का 1500 रुपये का था, ठीक है, और खाना था अलग से। अब जो हमने इसमें खाया पिया भाई, हमने डिनर भी किया सुबह ब्रेकफास्ट किया, उसके अलावा हमने इनसे एक बोतल का बॉक्स और लिया, जो बिस्लेरी की बोतल आती है ना उसका 12 बोतल का जो बॉक्स आता है वो पूरी पेटी ली हमने इनसे, उसका भी इसमें इंक्लूड है। तो टोटल बिल जो हमारा पड़ा वो 2450 रुपये का पड़ा, अगर हम वैसे बोतल को हटा देना तो यानी 2200 रुपये में हमारा रहना खाना ये आप बिल भी दे सकते हो, सारी चीज़ें हमें 2250 रुपये में पड़ी है। जब आप पार करते हो अटल टनल, तो अटल टनल है हाँ पेट्रोल आगे वाले पे, तो जैसे ही भाई आप पार करते हो अटल टनल, अटल टनल पार करने के बाद सीधा आप आओ यहाँ पे टांडी, टांडी में मिलेगा आपको पेट्रोल पंप और यहाँ से आप रिफिल करा सकते हो। हमारी गाड़ी में फ़िलहाल भाई 266 किलोमीटर का तेल है, तो हमने सोचा पहले एक बार रिफिल करा लेते हैं, फिर आगे भाई पता नहीं कहाँ मिलेगा कहाँ नहीं मिलेगा। केलोंग, केलोंग में मिलेगा। और सबसे लास्ट पेट्रोल पंप कहाँ है यहाँ पे? ले, ले में मिलेगा है? अच्छा भाई अभी हम कुछ तेल इसमें भी डलवा रहे हैं इमरजेंसी के लिए, कि भाई आगे क्या पता हमें ज़रूरत पड़ जाए, कहीं हम लेफ्ट राइट कहीं निकल जाए और वहाँ पेट्रोल पंप ना मिले, तो इसलिए पहले डलवा रहे हैं। तांडी से ले जो है वो 363 किलोमीटर है, केलोंग आपका 9 किलोमीटर पड़ता है। बाकी यहाँ से अगर हम सरचू की बात करें तो सरचू पड़ने वाला आपका 114 किलोमीटर, और जिसमें सरचू पे पहुँचने में लगेंगे हमें 3 घंटे 8 मिनट। ये गलती कभी भी लद्दाख ट्रिप पे भूल के भी मत करना जो हमने की है। तो मैं आपको बता देता हूँ यार क्या हुआ, कल जब हम आ रहे थे तो मैं मनाली से जस्ट पहले सो गया था क्योंकि मैं थक गया था, तो मैं सो गया। सोने के बाद क्या है कि गाड़ी लेफ्ट राइट कर चलती है ना, तो दिमाग ना घूम जाता है यार बिल्कुल ना, तो उसकी वजह से क्या था कि तब से ही मेरे को मतलब सर में दर्द वगैरह और थोड़ा चक्कर से फील हो रहा था। उसके बाद में हम जब रुके यहाँ पे टांडी से जस्ट पहले सिसु के बाद में, तो यहाँ पे क्या है कि देखो लो ऑक्सीजन यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, यहाँ पे लो जो ऑक्सीजन लेवल था वो लो था क्योंकि पेट वगैरह बिल्कुल नहीं है, एल्टीट्यूड हाई है बहुत ज़्यादा, तो मेरे को भी इन सबको भी वही दिक्कत हो रही थी। लेकिन उसके बाद में क्या है, शाम होते होते मेरे को दिक्कत मेरे को ना बढ़ने लग गई, और जब लेटने की बात आई 8:30 बजे, दिक्कत क्या थी दिक्कत बताता हूँ, मेरे सर में दर्द था और जैसे हाथ पैर सुन हो जाते हैं ना, चीटियाँ सी चलती रहती है, वैसे सर में भी थोड़ा भाई मतलब कप कप सी हो रही है, हाथों में भी हो रही है, पैरों में भी हो रही है, और थोड़ा एनजाइटी फील हो रही है कि जैसे घबराहट टाइप हो रही हो। कि अब उसमें क्या था कि अब टेंट में हम थे 3 जने और हमने वो सारे वेंटिलेशन भी बंद कर दिए थे, फिर हमने उसको फ़ोन किया भैया को, मैं कहा यार ऐसे ऐसे दिक्कत हो रही है, हमने किया उसको 11 बजे तक वेट करके जब दिक्कत ज़्यादा हो गई, और SpO2 जो था मेरा 88 आ गया था क्योंकि हम पल्स ऑक्सीमीटर लेके आए थे। तो उसके बाद में उसने कहा कि कोई दिक्कत नहीं भैया, गर्म पानी भेज रहा हूँ, गर्म पानी पियो। बंदे बहुत सपोर्टिव थे, और ये दिक्कत होती है 3 बंदे आप टेंट के अंदर हो, वेंटिलेशन खोल दो, थोड़ी ऑक्सीजन ना अंदर आने दो।
तो उसके बाद में थोड़ी दिक्कत आपको कम हो जाएगी। फिर दिक्कत थोड़ी सी भी बनी रही, फिर हमने सोचा कि एक काम करते हैं, जो ऑक्सी 99 का हम सिलेंडर लेके आए थे वो उससे ऑक्सीजन ले लेते हैं। फिर मैंने क्या किया भाई, ऑक्सी 99 से 5 छोटी छोटी सिप ली, जैसे हल्का स्प्रे करते हैं ना वैसे ही, मैंने छोटी छोटी सिप ली। और लेने के बाद में मैं भाई सीधा लेट गया, और लेने के बाद मैंने जब SpO2 चेक किया मेरा 94 था, और मैं अपना लेट गया, फिर मेरे को नींद आ गई। लेकिन रात को फिर 2 बजे मेरी आँख खुली, तो मतलब सो तो गया था मैं, लेकिन मेरे को दिक्कत तो थी यार, और दिक्कत अभी भी है, जैसे हाथ पैर थोड़े से कपकपी से लगी हुई है, जैसे चींटियाँ सी नहीं चल जाती, वैसे चींटियाँ चल रही हाथ में। और मेरे को ऐसा लग रहा है कि थोड़ी ज़्यादा हलचल करूँगा तो फिर वो एनजाइटी वाला फील हो जाएगा, कि जैसा पता नहीं क्या मेरे को, मतलब साथ नहीं आ रहा क्या। तो इसलिए भाई एक तो थोड़ा रुक रुक के चलो, और गाड़ी भी तब से मैं ही चला रहा था तो थकावट भी हो गई थी, फिर मैं गाड़ी में सो भी गया। और उसके अलावा पानी का इंटेक जितना हो सके भाई, कम से कम एक दिन के अंदर 4 लीटर पानी पियो, और सिप सिप करके पियो, ऐसा नहीं तुमने खींच लिया, क्योंकि बॉडी जो है वाटर से भी ऑक्सीजन लेती है, तो डिहाइड्रेशन हो जाएगा तो ऑक्सीजन मिलेगी नहीं बॉडी को। तो भाई पानी भी ज़्यादा पीना, ये थोड़ा सा ध्यान रखना यार, ये गलतियाँ जो हमने की वो मत करना। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं केलोंग सिटी, और केलोंग सिटी से निकल रहे हैं बस सरचू के लिए। भाई केलोंग सिटी का व्यू देखो, और कहते हैं भाई कि जो सरचू है ना, सरचू का लैंडस्केप इतना बेहतरीन है कि आप पूछो मत। और सरचू के बाद में हम पेंगोंग लेक भी जाएंगे, नुब्रा वैली जाएंगे, और मतलब हमने जो हमारी पूरी आइटनरी है ना भाई, हमारी आइटनरी बहुत बेहतरीन है। हम ऐसी ऐसी जगह कवर करने वाले हैं कि कुछ जगह है जिसके बारे में लोगों को पता भी नहीं है। जो हिमाचल टूरिज्म है HRTC, तो उसकी क्या है कि दिल्ली से ले की बस सर्विस चलती है, और वो डायरेक्ट दिल्ली से ले की है, और वो एक ओवरनाइट होल्ट लेती है केलोंग में, यानी केलोंग में रुकती है वो, और केलोंग में स्टे करके फिर वो निकल जाती है अगले दिन ले के लिए। और भाई बहुत सस्ती है ये मेरे ख्याल से पड़ती है पर हेड करीबन 2500-3000 रुपये के आसपास। सीधा अगर आपको ले आना है दिल्ली से, आप बस से भी आ सकते हो, और वो भाई आपको जैसा आज बैठाएगी तो अगले दिन शाम तक छोड़ देगी। तो इसलिए ओवरऑल मतलब एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि 2 दिन का टाइम लेती है वो आपको ले तक छोड़ने के लिए, और 2 दिन मेरे ख्याल से आपकी बॉडी को एक्लेटाइज करने के लिए ना बहुत है। भाई यहाँ से जो जिस्पा है, जिस्पा बचा है यहाँ से 10 किलोमीटर, और 10 किलोमीटर बाद हम पहुँच जाएंगे जिस्पा। और यहाँ की वैली देखो भाई कितनी सुंदर है, मज़ा आ गया। हम पहुँच चुके हैं जिस्पा भाई, मोस्ट अवेटिंग जगह है ये, बहुत देर से इंतज़ार था इसका। कल हम सोच रहे थे कि कल ही चले जाते हैं, पर फिर मैंने देखा कि नहीं यार लेट सवेर हो जाएंगे, और कल ये बंद भी था आगे ना, मतलब आप आगे क्रॉस नहीं कर पाते, कोई फ़ायदा नहीं था। तो हमने सोचा कि, और हाँ कल भाई फुल बुक था, ये जगह ही नहीं थी। हमने इतने होटल ट्राई करे भाई, सब बुक थे। तो फिर हमने सोचा कि नहीं यही रुक जाते हैं। डारचा 9 किलोमीटर है, 12 लाचा 54 किलोमीटर, सरचू यहाँ से 86 किलोमीटर, यानी अब देखो बहुत नज़दीक आ चुके हम यहाँ से ले के। और भाई अगर एल्टीट्यूड की बात करें हम सारा, और लैंडस्केप भाई सारा वैसा सही है, मतलब कितनी बेहतरीन जगह है यार, एक नंबर लग रहा है देखने में। तो भाई अभी हम पहुंच चुके हैं जिस्पा, और जिस्पा है कितने एल्टीट्यूड पे, 10,890 फीट की ऊंचाई पे। भाई ये आप मेरे सामने देख सकते हो जिस्पा का बोर्ड, और यहाँ पे एल्टीट्यूड लिखा है 10,890। भाई अगर मैं वैसे बताऊँ फ़िलहाल का जो टेम्परेचर है वो 15 डिग्री सेल्सियस है, ठंड है, ठीक ठंड है, मतलब ऐसा नहीं है बहुत ज़्यादा ठंड है, हवा चल रही है, पर थोड़ा सा ना सांस लेने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे ना, सांस की दिक्कत हो रही है। बाकी भाई व्यू देखो आप, यहाँ देखो इन्होंने कैसे कैसे कॉटेज, कैसे कैसे होटल बनाए हुए, मतलब मज़ा आ गया। ये लोकेशन ना इतनी प्यारी है भाई, मतलब ऐसी ऐसी लोकेशन मिलती रही तो बस फिर तो मज़ा आ जाएगा भाई। अगर इन पहाड़ों पर घास होता, हरियाली होती,
भाई आप देखो स्विट्जरलैंड फेल था इनके आगे, मतलब यार क्या ही तो खूबसूरती के कहने इनके। और जिस टाइम पे यहाँ पे विंटर का सीजन रहता है, मतलब जब बर्फ वगैरह नीचे तक रहती होगी भाई, क्या ही तो मतलब क्या ही तो माहौल होता होगा। और अभी तो हिमाचल प्रदेश में है, लद्दाख तो दूर की बात है भाई। और लद्दाख का जो नाम है ना वो ऐसे ही नहीं है भाई, मतलब वो चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं उसके पीछे, एक से एक लैंडस्केप है। और यहाँ पे ब्रिज के साथ में देखो कितना सुंदर लग रहा है ये यार, इतनी मतलब एक्सट्रीम आके भी इतना काम कर रखा है गवर्नमेंट ने भाई, बहुत बढ़िया है ये। भाई अभी हमें जिस पास है थोड़ा सा आगे, यहाँ से बारलाचा पास की जो है एंट्री होती है, और एंट्री के लिए आगे बैरिकेडिंग होती है। तो क्या है कि यहाँ पे अल्टरनेटिव डेज पे चालू किया हुआ है, एक दिन आएंगे एक दिन जाएंगे, इसलिए आप पीछे भी देखोगे आगे भी देखोगे सारा जाम लगा हुआ है। गाड़ी अभी हमने पीछे लगा दी है, अभी पैदल जा रहे हैं, जाके देखते हैं भाई क्या बातचीत होगी, फिर जो भी होगा आपको अपडेट करेंगे। अभी तो ये कह रहे हैं कि आज तो खाली ऊपर से आने आने वाले रहेंगे, और अगर आपको जाना है तो कल से एंट्री है। तो अब यहाँ पे मेन पॉइंट देखने वाला ये है कि यहाँ पे रुके कि वापस जाए, क्यों वापस जाएंगे, जाम भी आप देखो सुबह कितना बड़ा मिलेगा हमें, ऑलरेडी एक लाइन लग गई है, दूसरी लग रही है। भाई अभी हमें बारालाचा पास की एंट्री पे, पीछे आप देख रहे होंगे बारालाचा पास की एंट्री है, और यहाँ से आप ऊपर से जो रास्ता जाएगा वो जाएगा सरचू होते हुए, सरचू बारालाचा। और अब यहाँ से देखो वो रास्ता तो क्या है कि बारालाचा में बहुत ज़्यादा स्नो पड़ी हुई है, कह रहे कि 4x4 गाड़ियाँ फंस रही है, तो 4x4 को नहीं जाने दे रहे, 4x2 का तो मतलब ही नहीं है। ये रास्ता जो जाएगा ये जाएगा सिनकुला होते, सिनकुला पास पदुम, पदुम के बाद में फिर आगे रास्ता पड़ता है। तो फिलहाल सब गाड़ियाँ इधर से जा रही है, तो हमने फिर डिसाइड किया कि यार इधर से चलते हैं। एक पीछे टाटा नेक्सन वाले भाई भी हैं, वो बोले कि हम भी साथ में चलेंगे, तो मैंने कहा ठीक है यार दो गाड़ियाँ हो जाएगी और बढ़िया है, तो चलो भाई निकलते हैं इस वाले रास्ते से। और देखो आगे क्या है कि आगे इस वाले पे कह रहे हैं व्यू उस वाले से बेहतर मिलेंगे, और सिनकुला की हाइट भी बहुत ज़्यादा है, तो चलो यार देखते हैं कैसे क्या रहने वाला है भाई। यहाँ पे बिल्कुल खड़ी चढ़ाई चढ़ रहे हैं हम, और खड़ी चढ़ाई ऐसी कि भाई मतलब दूसरा गियर अगर 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड से पहले लगा रहा हूँ ना, मतलब 4,350 RPM से पहले लगा रहा हूँ, तो भाई गाड़ी चढ़ ही नहीं रही है, मतलब इतनी एकदम से ऐसी हाइट आई है ये। और रास्ता भी बहुत ख़राब है, बारालाचा वाला कह रहे थे कि रास्ते वहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा है, पर इतना ख़राब नहीं, इतना ख़राब ये है। यहाँ पे आप देखो लैंडस्लाइड वगैरह, पत्थर वगैरह। और अभी शायद हम पदम से जेंट्सकार होते हुए जाएंगे, और अगर हम जेंट्सकार होते हुए जाते हैं ना, तो भाई वहाँ का रास्ता तो और भी ज़्यादा ख़राब है। भाई देखो इस वाले रास्ते का यही है ज़्यादा, कि ये कह रहे थे ये वाला रास्ता थोड़ा सा ऑफ रोड ज़्यादा रहने वाला है, तो वैसे तो ग्राउंड क्लियरेंस गाड़ी का काफ़ी अच्छा है। और बाकी यहाँ पे क्या है कि यार अगर थोड़ी सी और ऊंची गाड़ी होती, थोड़ी छोटी गाड़ी, थोड़े टायर होते गाड़ी के, तो मतलब मेरे को ऐसा है कि थोड़ा भी मन का जो डाउट है ना वो बिल्कुल ही ख़त्म हो जाता है। बाकी देखो अभी तक ऐसा कुछ गाड़ी ने कोई ऐसा थोड़ा भी कहीं ऐसा फील तो कराया नहीं है कि कोई दिक्कत होने वाली है। बाकी आप देखो भाई दोनों तरफ देखो कैसा झरना आ रहा है, मतलब लिटरली जो एक्सट्रीम लद्दाख की वाइब है ना, एक्सट्रीम लद्दाख वाली की आगे तुम्हें क्या मिलने वाला है वो यहाँ पे है भाई, लिटरली यहाँ पे है। कि ये मुझे तो ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं ये एक ड्राइवर को ट्रेन भी करता है और उसको वार्निंग भी देता है कि भाई देख लो आगे क्या मिलने वाला है, यहाँ से समझ लो देख लो। बाकी भाई गाड़ी ना अभी तक तो मतलब अगर मैं हैंडलिंग की बात करूँ ना भाई, आँख बंद करके ट्रस्ट करो उस गाड़ी पे, हैंडलिंग में तो मतलब क्या ही कहने। और देखो मैं आपको कह रहा था ना कि भाई थोड़ी सी अंडर पावर मेरे को गाड़ी लग रही है, हाँ भाई गाड़ी है लग रही है मेरे को, लेकिन सबको लग रही है ना यार। मैं जितनी भी गाड़ी है सबसे बात कर रहा हूँ, टाटा नेक्सन वाले से बात करी, और भी बहुत सारी गाड़ियाँ थी जिससे बात कर रहा था, आपकी
एलिवेट हो गई, सेल्टोस हो गई, ये प्रॉब्लम सबके साथ आ रही है भाई। ये प्रॉब्लम आती है हाई ऑल्टीट्यूड की, ठीक है, ऊपर से एकदम से हाई टेरेन की और थोड़ा लो ऑक्सीजन की। तो ये काफ़ी सारे जो रीजन है ना, इसकी वजह से ये दिक्कत सबको आती है, लेकिन खासकर भाई पेट्रोल है, अन्य है, तो थोड़ी ज़्यादा फील होती है वो चीज़ ना। वहीं टर्बो होती या फिर डीजल टर्बो चार्ज इंजन होता तो दिक्कत ना थोड़ी एज़ कम्पेयर टू अदर इंजन थोड़ी कम होती मेरे। तो भाई अगला ब्रिज आ चुका है और टाटा नेक्सोन पार कर चुकी है ब्रिज को, और इधर से वाटर क्रॉसिंग भी है भाई। पता है जैसे ब्रिज पर चढ़ते हैं ना तो बहुत उबड़ खाबड़ सा रास्ता आता है, पर इन्होंने ये बढ़िया कर दिया कि आप वाटर क्रॉसिंग को ना अवॉइड कर दो और आप ऊपर से निकलो। और पहले देखो यहाँ कितने लोग गिरते थे, पड़ते थे, बहुत दिक्कत आती थी लोगों को। और अभी देखो जैसे मैं बता रहा था ना आपको, देखो गाड़ी चढ़ नहीं रही है। अब गाड़ी 4000 RPM पे गई ना, तब चौथा गियर लगाया, तब इसने गाड़ी ने थोड़ी सी जो अपना वो क्या होता है जो मोमेंटम, थोड़ा सा मोमेंटम पकड़ा है गाड़ी ने। और ये दिक्कत मेरे साथ में आ रही है भाई गाड़ी की, मेरे साथ ही सबके साथ आ रही है, मतलब मैं तो अपनी क्रेटा की बताऊंगा ना भाई। और बाकी देखो कोशिश ये करेंगे, टाटा नेक्सोन साथ में चल रही है, मौका मिलेगा तो टाटा नेक्सोन का रिव्यू भी करेंगे, भाई से पूछेंगे भाई को क्या दिक्कतें आ रही है क्या नहीं आ रही है। ये बर्फ़ हटाने वाली मशीन है भाई, देखो ये देखो भाई बर्फ़ हटाने वाली मशीन है, इनसे बर्फ़ हटाते हैं, ये नीचे से काटती जाती है और फेंकती जाती है। डेट सुन दो, फुल थ्रॉटल दे रखा है और स्पीड ना 50 से ऊपर नहीं जा रही है, मतलब 52 थी और नीचे गिरती आ रही है। और देखो अभी मेरे को, और इतनी कोई खास वो भी नहीं है, गियर शिफ्ट करना पड़ रहा है, अभी भी गाड़ी लोड मान रही है। फुल थ्रॉटल पे देखो कैसे, मतलब धीरे 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 करके जैसे 100 के बाद स्पीड बढ़ती है ना वैसे। और अभी तो आपको मैं रास्ता दिखाऊंगा भाई कि कितना खतरनाक आने वाला है आगे। आप ये देखो चढ़ाई आगे की कैसी चढ़ाई है, कैसे जिग जैग चढ़ाई है और पूरी तेज एकदम से चढ़ाई आ रही है। और ये देखो भाई ये वाला व्यू, भाई क्या जानदार लग रहा है यार ये, मतलब देखो हम तो गाड़ी में हैं पर बाइकर के लिए देखो कितना डिफिकल्ट होता है। और सबसे बड़ी बात है देखो ये जो भाई ने गलती कर रखी है आप मत करना, कि एक तरफ का कोई वेट ही नहीं है और एक तरफ वेट है, इससे क्या है भाई इसको बहुत वेट महसूस होगा एक ही साइड में। और बल्कि क्या है, जैसा आप कैन वगैरह कुछ भी लेके चलते हो तो अगर खाली भी करते हो ना तो दोनों तरफ की बराबर लेवल पे खाली करो ताकि वेट जो है वो बराबर मेंटेन रहे। अब देखो भाई के लिए, बेचारे के लिए कितना स्ट्रगल है यार, पर ठीक है अपने का अलग फन है भाई, मज़ा भी है, स्ट्रगल में मज़ा आता है यार। अगर सीधी साधी ट्रिप हो जाए फिर मज़ा किस चीज़ का। अब यहाँ से देखो चढ़ाई है, पहले गियर में चल रही है गाड़ी, भाई ये बर्फ मेल्ट होके आ रही है पूरी और उसकी वजह से वाटर क्रॉसिंग बनी हुई है। पानी बहुत ज़्यादा है, पता नहीं आपको उतनी आवाज़ आ रही है नहीं आ रही है, पर पानी भाई दिख नहीं रहा इतना, उतना ज़्यादा पानी है। साइड में 4-4 फुट की बर्फ होगी मतलब, हाँ ऊपर ही होगी 4 फुट से तुम तो पिघल गया। और ये तो मेल्ट होने के बाद है भाई, पहले जैसे वो उसमें डार्च में बता रहे थे ना दीवारें खड़ी हुई है, वैसे वाला हाल होगा इसका।
भाई ये इसके तो जूते हो जाएंगे भाई गीले। भाई साहब हेलमेट गिर गया इसका। ओ उसका हेलमेट गिर गया इसलिए आया ये बेचारा। हाँ ठीक है भाई कोई बात नहीं, रुके हुए हैं। गाड़ी एक दूसरे ना पावर छोड़ दिए। भाई बहुत खराब रास्ता है।